The Dawn Express, Aina Sashka. हर रोज की तरह खबर में आगे बढ़ने से पहले अभी आ रही है जो ब्रेकिंग न्यूज़, भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच फिर से हो गई काल रात झड़प, जो कि भारतीय गलवान घाटी में हुई है। वहां पे सेना कम करने के कारण जो है वहां पे फिर से दोबारा से जो है झड़प हो चुकी है। और इनकी इनमें जो अफसोस की बात है, भारतीय एक अफसर के साथ दो जवानों की शहीद हो चुका है। पक्का खबर ये तो नहीं है चीनी की तरफ कितना नुकसान पहुँची है, लेकिन भारत की तरफ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच चुका है। चलिए आगे की अन्य खबरें जान लेते हैं। मैं जगदीश तिवारी, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। राजधानी में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने से बेकाबू हो रहे हालातों पर काबू पाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कमान अपने हाथों में ले ली है। रविवार को बैठक के बाद अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली सरकार के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल LNJP का निरीक्षण किया। उनके साथ मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव विजय देव भी थे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन के साथ एक समीक्षा बैठक की और नई डिस्चार्ज पॉलिसी को लागू किया गया। दिल्ली के अस्पताल को अब मरीज को नई डिस्चार्ज नीति के तहत छुट्टी देनी होगी। अस्पताल हल्के लक्षण वाले मरीजों को या थोड़ा ठीक होने पर 7 से 10 दिन में छुट्टी दे देगा। साथ ही कहा गया कि मरीज को छुट्टी मिलने के बाद कॉलोनी में कोई भेदभाव ना करे, इसके लिए अस्पताल प्रमाण पत्र देंगे कि मरीज ठीक हो चुका है और उनसे कोई भेदभाव ना करे। दिल्ली के सभी अस्पताल मरीजों को छुट्टी देने के बाद यह प्रमाण पत्र देंगे। LNJP के निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था, भर्ती मरीजों के साथ अस्पताल में कोरोना से अब तक हुई मौत की जानकारी दी। वहीं कोरोना के इलाज के लिए अधिकृत दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों के वार्ड में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, यह फैसला भी लिया गया। इस दौरान अमित शाह ने कोरोना से मरने वाले लोगों के संबंध में स्पष्ट जानकारी उनके परिजनों को नहीं देने पर नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने इस दौरान कोरोना योद्धा के तौर पर काम कर रहे डॉक्टरों, नर्स कर्मचारियों से मिलकर उनका हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने अस्पताल को पूरा सहयोग करने का भरोसा दिलाते हुए कर्मचारियों को मेहनत से काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संकट के दौर में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। समीक्षा बैठक के दौरान LNJP के निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने गृह मंत्री को बताया कि इसे दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल बनाया गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से कोई भी ट्रेन सर्विस नहीं चलाने का निर्णय लिया गया है। इसकी वजह है कि 15 जून से आनंद विहार रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्म का इस्तेमाल कोरोना वायरस के रोगियों के लिए आइसोलेशन कोचों को तैनात करने के लिए किया जाएगा। इसके लिए यहां सभी ट्रेन सेवाओं को फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं अगली खबर, कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 88 दिनों में 6ठी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से रूबरू होंगे। यह पहला मौका है जब मोदी कोरोना लगातार 2 दिनों तक मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना से निपटने के मुद्दे पर मंथन करेंगे। मंगलवार को मोदी ऐसे 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे जहां कोरोना की रफ्तार धीमी है या जहां कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है। इनमें पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान और निकोबार, दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप, सिक्किम और लक्षद्वीप शामिल हैं। 17 जून को मोदी उन 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ बैठक करेंगे जिन राज्यों में कोरोना वायरस की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है। इनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और उड़ीसा शामिल हैं। देश में कोरोना के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में हैं, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर दिल्ली है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए राज्यों को ज़्यादा अधिकार दे सकती है, साथ ही केंद्र और राज्यों के साथ नज़दीकी समन्वय पर जोर दिया जा सकता है। इस बैठक में मोदी कोरोना से निपटने की आगे की रणनीति पर मुख्यमंत्रियों से उनकी राय मांगेंगे। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों के लिए अलग योजना बनाई जा सकती है। वहीं अगली खबर, ICMR और एम्स ने मिलकर रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए जारी गाइडलाइन की है। इस रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए नाक से सैंपल लिया जाएगा, नतीजे 30 मिनट के अंदर आ जाएंगे। साउथ कोरिया की इस कंपनी की किट की सही
पॉजिटिव बताने की दर 50-84% देखी गई। एम्स और आईसीएमआर ने इस किट को दो साइट पर चेक किया है, रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है। कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट इलाकों में इस टेस्ट के जरिए जांच की जाए, किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का भी टेस्ट किया जाए। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले हाई रिस्क ग्रुप जैसे कैंसर और किडनी के गंभीर मरीजों का भी टेस्ट किया जाए। बुखार के लक्षणों के साथ अस्पताल में आने वाले मरीजों का टेस्ट किया जाए। ऐसे हेल्थ केयर वर्कर जिनमें इन्फेक्शन की आशंका है उनका भी टेस्ट किया जाए। हाई रिस्क ग्रुप जैसे कि कैंसर के मरीज या किसी और गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों का भी टेस्ट किया जाए। अगर सैंपल नेगेटिव आता है तो RT-PCR टेस्ट के जरिए दोबारा कंफर्म किया जाएगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसे पॉजिटिव ही माना जाए, दोबारा टेस्ट की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस का प्रकोप भारत में भी रोज बढ़ता जा रहा है। बुजुर्गों और श्वास व हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर के मरीजों को इस घातक वायरस के संक्रमण से बचाने की जरूरत है, क्योंकि विशेषज्ञ कहते हैं कि फेफड़ों और दिल के मरीजों को कोरोना का खतरा डबल यानी दोगुना होता है। वहीं अगली खबर, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो फिर ₹10,000 की पेनल्टी देने के लिए तैयार रहें। अगर 30 जून से पहले आधार से इसको लिंक नहीं किया, पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है। आयकर विभाग के आयकर कानून के सेक्शन 272B के तहत इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इसकी आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है। इसके अलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड भी जरूरी है। आयकर कानून के हिसाब से अगर दोनों कार्ड लिंक नहीं हैं तो फिर 30 जून के बाद पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा। इसके साथ ही ₹10,000 का जुर्माना भी वसूला जाएगा, इसलिए 15 दिन में इसको आधार से लिंक करा लें। वहीं अगली खबर, पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित मेट्रो डायरी घोटाले मामले में आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राज्य के वित्त सचिव सहित 4 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को नोटिस भेजा है। इन्हें साल्टेक के CGO कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी के पूर्वी क्षेत्रीय कार्य मुख्यालय में 22 जून के पहले हाजिर होने को कहा गया है। जिन अधिकारियों को ईडी ने नोटिस भेजा है वे हैं वित्त सचिव हरे कृष्ण द्विवेदी, प्राणी संपद विकास विभाग के तत्कालीन सचिव भगवती प्रसाद, गोपालिका राजेश सिंह और IAS राजीव कुमार। इसे लेकर सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी ने यह कार्रवाई शुरू की है ताकि विधानसभा चुनाव के समय राज्य सरकार को मुश्किल में फंसाया जा सके। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद 43% शेयर वाले मेट्रो डेयरी को केवल 85 करोड़ रुपये में कैनवर्ट नाम की एक प्राइवेट संस्था को बेच दिया गया। डेयरी का बाकी शेयर इसी संस्थान के पास है। इसके बाद कैनवर्ट ने 15% शेयर को सिंगापुर की एक विदेशी कंपनी को 170 करोड़ रुपए में बेच दिया था। इसे लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सवाल खड़ा किया था और उन्होंने कहा था कि सरकार अगर इस शेयर को सटीक आकलन कर बेचती तो 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ होता। वहीं अगली खबर, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के 2 कर्मचारी रिहा कर दिए गए हैं और वे भारतीय मिशन पहुंच गए हैं। भारत ने दोनों अधिकारियों के कथित तौर पर गिरफ्तार किए जाने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि दोनों कर्मी भारतीय उच्चायोग पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के मीडिया ने खबर दी थी कि सोमवार की सुबह से लापता 2 भारतीय कर्मचारियों को पाकिस्तान के अधिकारियों ने टक्कर मारकर भागने में कथित तौर पर संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान मिशन के प्रभारी को विदेश मंत्रालय ने समन किया और 2 भारतीय अधिकारियों की गिरफ्तारी की खबर पर उन्हें आपत्ति पत्र जारी किया था। उन्होंने कहा कि आपत्ति पत्र में पाकिस्तान मिशन के प्रभारी को यह स्पष्ट कर दिया गया कि भारतीय अधिकारियों से पूछताछ नहीं होनी चाहिए या उनका उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह पाकिस्तानी अधिकारियों पर होगी। वहीं अगली खबर, भारत में स्टार महिला पहलवान और भारतीय जनता पार्टी बबीता फोगट ने सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद एक दिन बाद फिल्म मेकर करण जौहर पर जमकर अपना गुस्सा निकाला है। कंगना रनौत के समर्थन में उतरी बबीता फोगट ने करण जौहर को जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि फिल्म इंडस्ट्री करण जौहर की बपौती है क्या, इसको मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते।
सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद कंगना रनौत ने भी एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के बाद बबीता फोगाट भी कंगना रनौत के सपोर्ट में सामने आई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सदमे से उनकी भाभी की भी मौत हो गई है। साहब डेली हंट डेली होम। धन्यवाद द डॉन एक्सप्रेस।